नमस्कार किसान भाइयों, द कृषि चौपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वायदा कारोबार में सरसों की क्या स्थिति चल रही है? बाजार कारोबारियों के अनुसार सरसों की कीमतों में कितनी तेजी आ सकती है? बाजार मांग को देखते हुए क्या सरसों की कीमतों में बढ़ोतरी आ सकती है? बाजार मांग को देखते हुए आने वाले दिनों में सरसों के भाव कितने बढ़ सकते हैं? सरसों के भाव से जुड़े इस तरह के सवालों के बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। आपकी मंडी में सरसों के भाव आने वाले दिनों में कितने बढ़ सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए आप अपनी मंडी का नाम हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उसी अनुसार आपके लिए जानकारी लेकर आ सकें। यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के घंटी के निशान को भी दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी और जानते हैं सरसों की कीमतें और बाजार मांग के बारे में। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार FSSAI ने सरसों में मिलावट पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही देश के विभिन्न स्थानों पर मिलावट की जांच करने के लिए नमूने भी लिए जा रहे हैं। सरसों में मिलावट पर रोक लगाने के बाद शुद्ध सरसों तेल की मांग बढ़ी है। पहले आमतौर पर 15% सरसों तेल में 85% के लगभग सोयाबीन डी गम जैसे सस्ते तेलों की मिलावट होती थी, लेकिन मिलावट पर रोक होने से सरसों किसानों का उत्साह बढ़ा है। इसके अलावा मंडियों में सरसों की आवक भी कम हो गई है। देश भर की मंडियों में सरसों की दैनिक आवक 6 लाख बोरी से घटकर 1,70,000 बोरी रह गई है, क्योंकि किसान सस्ते भाव पर अपनी फसल बेचना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण सरसों की मांग बढ़ने और आवक कम होने से सरसों तेल तिलहन के भाव लाभ दिखाते हुए बंद हुए। आगरा, सलोनी और कोटा मंडी में सरसों के भाव पिछले सप्ताह 7,250 रुपए से बढ़कर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गए। बीते सप्ताह सरसों दाना के भाव 25 रुपए का सुधार देखने को मिला। वहीं सरसों दादरी तेल 100 रुपए की तेजी के साथ 14,100 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। सरसों पक्की गानी और कच्ची गानी में 20-20 रुपए का सुधार आया है। पिछले सप्ताह सरसों में आए इस हल्के सुधार को देखते हुए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में सरसों में और ज़्यादा सुधार देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में भी हम आपको सरसों से जुड़ी ताज़ा जानकारी समय समय पर देते रहने की कोशिश करेंगे। जल्द ही मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहें द कृषि चौपाल। जय हिंद, जय किसान।